रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। जी हाँ, रेल खुल चुकी है। कुछ रेलें जो स्पेशल ट्रेन हैं, अभी हमने 2 दिन पहले खबर सुनी कि तेलंगाना से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की गई है। रेल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ मैं रेल के साथ साथ कुछ और बातें करने आई हूँ। और मैं बोली विभा में विभा रानी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रेल क्यों हमारे दिमाग में आया? क्योंकि हमारे गीतों में, हमारे लोकगीतों में भी रेल की चर्चा बहुत है, और बचपन में भी हम सुनते आ रहे थे, अपनी कविताएं पढ़ते थे। रेल हमारे लिए सवारी काशी जी से आई है, हरे हरे कुछ पीले पीले आम वहां से लाई है। बहरहाल, यहाँ हम रेल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन बढ़ने के। तो लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया, एक्सटेंड हो गया, मुबारक। आप कहेंगे कि इसमें मुबारक देने की क्या बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दर्द जब हद से बढ़ जाए तो दवा हो जाती है। शायद चित्रा सिंह जी ने इसे गाया भी है। दर्द दर्द बढ़कर दवा न हो जाए, दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, ये माफ कीजिएगा, मैं तो सिर्फ गाती नहीं हूँ, मैं तो फोक गाती हूँ, लेकिन ये इसके लिए मुझे बड़ा माकूल लगा। लॉकडाउन बढ़ गया है, हम सबकी परेशानी, हम सब लोग सोचेंगे कि अब क्या करें। ऐसे ही इतने डिस्ट्रेस हो रखे हैं, ऐसे ही इतने परेशान हो रखे हैं, और लोगों को अब लगेगा कि अब हम और क्या करें। लॉकडाउन में रहना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें अपने आप को बचाना है। जब हम बचेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है हम सोच सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे पास, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में कुछ बात हो और वैसी ऐसे विषय जिसे मैं यहाँ से एड्रेस कर सकती हूँ और जो मेरे कैपेसिटी में है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे वनमाला जैन, जो खुद एक NGO से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ बात करें ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके, क्योंकि COVID-19 के बाद और इस लॉकडाउन के बाद जो अनुमान है, और ये अनुमान मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आउटलुक इंडिया के उसमें ये बात आई थी कि लगभग 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 जो है वो उसके 17 अप्रैल के आउटलुक इंडिया में हमने देखा था कि ऑनलाइन के उसमें कई कई मिलियन जॉब रिस्क पर है, लगभग 100 मिलियन जॉब रिस्क पर है। और अभी भी जो है स्थिति आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उसमें कई सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां लोग नौकरी से हटाए जा रहे हैं, काम से हटाए जा रहे हैं, या अनिश्चितकालीन तक के लिए छुट्टी पर भेज दिए गए हैं, या फिर उनकी सैलरी में कटौती की गई है। ये तो उनके साथ है कि जो सैलरीड क्लास हैं, वैसे लोग जो जो अपना धंधा कर रहे हैं उनके साथ की अभी सारी चीज़ें बंद हैं, तो वो भी उनके साथ साथ वो भी बंद है। समस्या अब ये है कि अब इन सब के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब कोरोना जब जब COVID-19 से हम निकलेंगे, तो हम कहाँ और क्या और कैसे करेंगे? वो एक ज़माना निकल गया कि जब हम पिया की नौकरी छूटने की हम जो है फिल्मों में भी और लोकगीतों में भी जो है उसकी बात की जाती थी, और नौकरी जो है वो फिर से एक सौत की तरह देखी जाती थी। इसलिए मैंने रेल वाला गाना गाया था कि उसी के उसमें जो गाना है कि जौन साहिबवा संयमोर नौकर, जौन साहिबवा संयमोर नौकर, गोली लागे
गोली ला गए साहेब मरी जाए रे, गोली ला गए साहेब मरी जाए रे। और किसी फिल्म में भी गाया गया था कि तेरी दो टकिया दी नौकरी रे, मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। और किसी और भी हम आपको बताते चलेंगे कि किस तरीके से गीतों में सैया की नौकरी के छूटने की बात कही जाती थी ताकि सैया हमारे पास आ जाए या हमारे साथ ही रहें, सैया हमें छोड़ कर के, पिया हमें छोड़ कर ना जाए। लेकिन अभी के संकट, अभी के समय में ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम सब की, हम जिनकी, जिनके पास काम है, जिनके पास रोज़गार है, वो रोज़गार कैसे बचा रहे, और अगर रोज़गार ना बचता है तो उसके ऑल्टरनेट में हम कहाँ से और किस तरीके से उस पर काम करें। वनमाला जैन हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं और उनके कप्र का भी करके उनकी संस्था भी है और उसके वो डायरेक्टर हैं, और बिल्कुल ग्रास रूट महिलाओं को वो काम सिखाती हैं और उनसे काम करवाती हैं। उन्होंने एक हमें भेजा है हैंडमेड इन इंडिया। इस हैंडमेड इन इंडिया में इन्होंने लिखा है, जो पूरा कैंपेन चल रहा है कि हम एकजुट खड़े हैं, हम एकजुट खड़े हैं उन लाखों शिल्पकारों के साथ जो कृषि के बाद भारत का दूसरा बड़ा कार्यस्थल है। हम समर्थन करते हैं शिल्प परंपराओं का जिनका योगदान भारत के स्थायी और हरित भविष्य के लिए आवश्यक है। हम मांग करते हैं हमारे शिल्प समुदाय के लिए न्याय संगत आर्थिक विकास मॉडल की, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को सुरक्षित रखे। देखिए, ये शिल्प कला और कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ तो और भी स्थिति थोड़ी सी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब ऐसे में मैं बहुत कुछ चीज़ें जो हैं, आपको हो सकता है कि आपको ये ख़राब लगे और कहें कि अच्छा अब हम इसी काम के लिए रह गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब हमारे पास जब वैसा कोई संकट हो तो हमारे सामने जो है सबसे बड़ा संकट होता है कि हमारे घर की दाल रोटी चलनी चाहिए, हमारा सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा नहीं तो रीजनेबली बेटर जो है वो चलना चाहिए, और उसके लिए जो है हमारे पास हमारा एक रोज़गार का, हमारे काम का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं अभी देख रही थी तो मैं उसमें देख रही थी कि बहुत से कुछ ऐसे जिसको कहते हैं 21 सूत्रीय फार्मूला, तो ये 21 सूत्रीय फार्मूला जो है ये मेरे पास वो आया और उसमें जो है मैं देख रही थी कि कितनी 21 बातें उन्होंने कही हैं, जहाँ मैं मुझे अचानक से मिल गया था खोजते खोजते तो नेट पर ही, तो उन्होंने ये कहा कि आप बेकरी सिस्टम शुरू कर सकते हैं, बेकरी आइटम, टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, अचार, वड़ी पापड़ बनाना। वड़ी पापड़ पर तो मैंने एक एपिसोड ही पूरा किया था कि किस तरह से हमारी परंपरा के साथ साथ हमारे रोज़गार से भी जुड़ता है। अगरबत्ती और रुई की जो बत्ती होती है जो दीपक में हम जलाते हैं वो बनाना, ट्यूशन करना, स्किल क्लासेस लेना, कंटेंट राइटिंग, क्लीनिंग, इमिटेशन ज्वेलरी बिजनेस, योगा इंस्ट्रक्शन, योगा ट्रेनिंग, देन कैंडल मेकिंग, कपड़े या जूट के बैग बनाना, बेबी सिटिंग या चाइल्ड केयर, गार्डनिंग एंड नर्सिंग, पेट केयर, ट्रैवल प्लानिंग, पार्टी प्लानिंग, कॉरपोरेट गिफ्टिंग, होममेड चॉकलेट, और इस तरह के होममेड चीज़ें जो हैं लगभग 21 उन्होंने जो है वो हमें इसमें बताए हैं। लेकिन केवल तो 21 तो उन्होंने बताए हैं, आप जब सोचेंगे तो आपको और भी बहुत से रास्ते नज़र आएंगे। जैसे ये सिर्फ चॉकलेट ही नहीं है, चॉकलेट के साथ साथ जो है आप और भी कुछ उसके साथ साथ बना सकते हैं। होममेड आइटम जो है वो होममेड घर के जो खाने हैं, घर के खाने के लिए लोग तरसते हैं, तो वैसे लोगों को आप केटर कर सकते हैं कि जिनको हो घर के खाने और स्पेशल ओकेजन पर खाने जो है वो भी किया जा सकता है। मेरी नज़र में जो है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे के तहत ये आ सकता है, आता है, और जैसे कुटीर उद्योग गांधी जी ने जिसकी संज्ञा दी थी और उस पर बहुत पहले एक गाना भी बजाता ये था, खादी उसी के उसमें है, उसी के संदर्भ में है, और बहुत पहले एक पुराना गाना था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, ए हो सावरिया जो चावो बजरिया तो लावो चुनरिया खादी की जय बोलो, हो जय बोलो,
हो जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की बातों को समझिए और सुनिए, और कुटीर उद्योग और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात वो कह रहे थे कि बुनियादी शिक्षा और बुनियादी काम और उन 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 उनको ले करके आज वो समय शायद फिर से आ रहा है कि जब हम अपने रोजगार के बारे में सोचें और अपने काम के बारे में, ताकि हम किस तरीके से घर को सपोर्ट करें। अभी का समय है कि व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को जो है सक्षम बनाएं और सपोर्ट करें, मुझे क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। मुझे याद आती है बचपन में पढ़ी हुई एक चिड़िया थी, उसने कुछ बच्चे, उसने घोंसले में कुछ अंडे दिए थे, और अंडे से जब बच्चे निकले, बच्चे को वो पाल रही थी। फिर किसान था और उसके चार बेटे थे, उसने किसान ने कहा कि अब ये पेड़ जो है वो जिस पेड़ पे चिड़िया का घोंसला था वो बहुत बड़ा हो गया है, और इसको जो हमें काटना है क्योंकि इससे हमें खेत का रास्ता रुकता है। और बच्चे बहुत घबरा गए। शाम में जब चिड़िया आई तो उसने कहा कि माँ, किसान ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी को कहेगा पेड़ काटने के लिए। माँ ने कहा कि नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, पड़ोसी नहीं आएगा। नहीं आया। दूसरे दिन उसने कहा कि मैं अपने बड़े बेटे को बुलाऊंगा, बड़े बेटा, वो भी नहीं आया। तीसरे दिन कहा कि अच्छा, मैं मझले को बुलाऊंगा, वो भी नहीं आया। फिर उसको बुलाऊंगा, वो भी नहीं आया। छोटे को बुलाऊंगा, वो भी नहीं आया। और हर दिन बच्चे घबराते रहे, माँ को कहते रहे, और माँ आश्वस्त करती रही कि वो लोग नहीं आएंगे। अंत में एक दिन किसान कहता है कि ये में से कोई भी नहीं आया, अब मैं कल खुद आकर के काटूंगा। और उस शाम चिड़िया कहती है कि हाँ, कल पेड़ कट जाएगा, इसलिए हमें उड़ जाना चाहिए। और तब जो है उस समय और तक बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, और फिर चिड़िया और सारे बच्चे उड़ गए। तो ये उसके लिए जो है, ये हमारे लिए एक बहुत अभी सीख का समय है और सीखने का समय है कि हम इस समय इसको सोचें कि किस तरीके से हम अपने आप को ट्रेन करें, समय के हिसाब से समय के लिए तैयार करें, और फिर अपने आप को उसके साथ ले करके चलें, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ है। जब हम अपने साथ सोचेंगे, और काम कभी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। मैं इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं खुद मिथिला मावल किचन स्टार्ट करने वाली हूँ। ये बस ये COVID-19 का समय था, तो इसलिए चीज़ों को हमें रोकना पड़ा है। और ये मैं ऐसे भी कह रही थी, बहुत डिस्ट्रेस हालत है, बहुत ये चीज़ें हैं, मुझे कोई शर्म नहीं होगी कि मैं किसी चार के घर में जाकर के खाना बना करके मैं आ जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो काम कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम गलत और सही ज़रूर हो सकता है, कानूनी और गैर कानूनी ज़रूर हो सकता है, लेकिन काम जो है, जब तक हम अपने उसके साथ कर रहे हैं, अपने पैशन के साथ कर रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि वो जमाने फिर से चले गए कि जब वो कहे कि फिल्मों में गाने गाते थे ना, जब वो ले गई बैरन शहर पिया को, राम करे कि ऐसी नौकरी छूटे उन्हें जिसने बनाया गुलाम, बाबू कुरे कागज पे लिख दे। तो जिनको गुलाम, अब तो स्थिति यह है कि हमारे पास काम कैसे रहें, और अगर नहीं है या बाई चांस किसी भी तरह का कोई खतरा आता है तो हम किस तरीके से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को दूसरा ऑल्टरनेट, दूसरा विकल्प तलाशें, और उस विकल्प के साथ हम काम करें। इतने आप नेट पर देखेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत से लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वनमाला जैन और उस तरह से आज ही हमारी बात हो रही थी, और भी हमारी एक दोस्त हैं उनके साथ, कि हम किस तरीके से दूर दराज के जगहों पर पहुँचे और वहाँ से लोगों से चीज़ें लेकर के बनवा के लेकर के आएँ। पूरे देश भर में इस तरह के NGOs हैं जो लोगों से काम करवा रहे हैं और लोगों को इस तरह की सलाह दे रहे हैं कि आप अपना काम शुरू कीजिए, ताकि आपके हाथ में चार पैसे आए। भले आप अगरबत्ती बनाएं, भले आप बड़ी बनाएं, भले आप जो है मधुबनी पेंटिंग बनाएं, या आप ऐसा कोई भी काम करें, लेकिन काम के बारे में आपको सोचना है। और ख़ास करके हम महिलाओं को, औरतों को, क्योंकि वो हमेशा, उनको लगता है कि हम की कर सके छे, हमरा बस में तो किचो नहीं छे। तो आपको, आप सोचेंगे तो आपके बस में सब कुछ रहेगा। आप सोचेंगे और आप एक बार हिम्मत करके खड़े होंगे तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सी सामर्थ्य है। आपको तो वैसे ही नवदुर्गा कहा जाता है, सारी शक्तियों से लबरेज कहा जाता है। तो अपनी उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को आगे की चुनौती के लिए तैयार करके रखिए। आज इतना ही, कल हम फिर आपके सामने फिर से किसी नए विषय पर आएंगे बात करने के लिए। और इस बीच अगर आपको लगता है कि कोई विषय जिस पर हम बात कर सकते हैं, आप हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने शेयर, अपने कमेंट्स हमें दीजिए।
हम फिर कल मिलेंगे, और अपना ख्याल रखिए। संकट का समय है, लेकिन संकट के समय भी हमें अपना धीरज और अपनी पॉजिटिविटी बना करके रखनी होगी, क्योंकि इरफान भी कह गए हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है पॉजिटिव होने के अलावा। तो अगर हम इरफान को इतना प्यार करते हैं, तो उनकी बातों को मानते हैं, तो ये मान करके चलिए कि हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।